नमस्कार, पंजाब हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। खबरों की शुरुआत करेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने खालसा सजना दिवस और बैसाखी पर पंजाब के लोगों को बधाई दी है। सीएम मान ने ट्वीट करते लिखा, बिना जाति और रंग के भेदभाव के खालसा की स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी ने आनंदपुर साहिब की पवित्र भूमि पर की थी। खालसा सजना दिवस और बैसाखी के अवसर पर गुरु के चरणों में नमन करने वाले सभी सिख संगतों को बहुत बहुत बधाई। सीएम भगवंत मान का ट्वीट आपको दिखा रहे हैं। सीएम भगवंत मान ने ट्वीट कर प्रदेशवासियों को बैसाखी और खालसा सजना दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज होटल विधानसभा के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सती सरोवर से जनसंवाद किया। इस जनसंवाद में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जनता को सरकार की योजनाओं से रूबरू कराया। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हम पिछले 8 साल से तन मन धन लगाकर जनता की सेवा कर रहे हैं। हर परिवार कैसे सुखी हो, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। पहले राशन कार्ड दबंगों के बनते थे, हम गरीबों को प्राथमिकता दे रहे हैं, हम गरीबों के लिए कार्य कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि हमने प्रदेश को हर घर का डाटा इकट्ठा किया और परिवार पहचान पत्र बनाया। 72 लाख परिवारों के परिवार पहचान पत्र ID बनी है। अब जितनी सरकारी योजनाएँ हैं वह सभी परिवार पहचान पत्र के जरिए मिलेंगी। 12.5 लाख राशन कार्ड नए बने हैं। वहीं सीएम मनोहर लाल ने ऐलान किया कि 1.80 लाख से कम आय वाले हर परिवार का राशन कार्ड बनेगा। होटल में 6,660 कार्ड नए बने हैं। पहले 5,510 राशन कार्ड बने थे। होटल में 7,262 लोगों को पेंशन मिलती है। 44 लोगों की पेंशन अपने आप बनी है। और रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। दिल्ली के सीएम केजरीवाल से पूछताछ करेगी सीबीआई। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। शराब घोटाले में सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से पूछताछ कर सकती है सीबीआई। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शराब घोटाले में सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए समन जारी किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से पूछताछ कर सकती है सीबीआई। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। लगातार इस मामले में नए राजनीतिक मोड़ देखने को मिल रहे हैं और नए अपडेट लगातार निकलकर सामने आ रहे हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी भावना सिसोदिया जुड़ गई है। भावना, क्या कुछ जानकारी निकलकर आ रही है? अब अरविंद केजरीवाल से भी पूछताछ करेगी सीबीआई। शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल से पूछताछ के लिए सीबीआई ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को पूछताछ के लिए बुलाया है। 16 अप्रैल को बुलाया गया है सीबीआई दफ्तर पे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए। तो अनुमान लगाया जा रहा है कि सुबह 11 बजे के आसपास 16 अप्रैल को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से सीबीआई अब कथित शराब घोटाले मामले में पूछताछ करेगी। कहा यह भी जा रहा है कि लगातार जिस तरह से अरविंद केजरीवाल पिछले दिनों से केंद्र सरकार पर और मोदी सरकार पर हमलावर थे, कहीं ना कहीं उसके तहत ये कार्रवाई की जा रही है। जी जरूर, इस तरीके का अनुमान जरूर लगाया जा रहा है कि जिस तरीके से पिछले कई दिनों से लगातार आप सरकार अरविंद केजरीवाल केंद्र सरकार पर हमलावर हो रहे थे, मोदी जी पर हमलावर हो रहे थे, तो उसको देखते हुए इस तरीके की कार्रवाई अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर की गई है और उनको 16 तारीख को सुबह 11 बजे पूछताछ के लिए सीबीआई दफ्तर बुलाया गया है। तो भावना, अब इसकी पूरे खबर पर, इस पूरे मामले पर क्या आम आदमी पार्टी तरफ से कोई बयान निकलकर सामने आया? क्या आम आदमी पार्टी के किसी नेता ने कोई बात कही है? जी अभी तक तो किसी भी तरीके की प्रतिक्रिया सामने नहीं आया। अनुमान लगाया जा रहा है कुछ देर में शायद किसी ना किसी राजनीतिक दल, किसी राजनीतिक पार्टी के किसी नेता या अधिकारी का सामने बयान आ सकता है। वहीं अगर बात करें भाजपा खेमे की, तो लगातार हमने देखा कि भाजपा के नेता अरविंद केजरीवाल का नाम शुरू से ही लेते रहे। जिस तरह से भाजपा नेता कहते हुए दिखाई देते हैं कि इस पूरे मामले में अरविंद केजरीवाल जिम्मेदार है और अरविंद केजरीवाल के इशारों पर ही शराब घोटाला किया गया था, इस पर अब क्या कुछ नया देखने को मिल सकता है इस पूरी राजनीति? जी मैं आपको बता दूं कि लगातार ही बीजेपी जो है वो लगातार आप सरकार के ऊपर हमलावर हो रही थी। अभी परसों भी जब बीजेपी द्वारा अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर प्रदर्शन किया गया था तो बीजेपी के प्रवक्ता जो अध्यक्ष है वीरेंद्र सचदेवा, उन्होंने ये दावा किया था कि जिस तरीके से फिलहाल मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जेल के अंदर है, वहीं अब पर्यावरण मंत्री गोपाल राय और वित्त मंत्री कैलाश गहलोत भी जेल के अंदर होंगे और साथ ही साथ केजरीवाल तो जेल के अंदर होंगे ही। इस तरीके का दावा बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा द्वारा किया गया था तो कहीं ना कहीं इसको पूरा राजनीतिक मोड़ देने की संभावना लग रही है। जिस तरीके से दावा कर अब बीजेपी ने केजरीवाल के ऊपर शिकंजा कसती भी नजर आ रही है और बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड नोटिस पर केजरीवाल को सीबीआई दफ्तर पूछताछ के लिए बुलाया गया है।
भावना, वहीं कहीं ना कहीं अब देखा जाए तो आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती जा रही, क्योंकि पहले से इनके दो मंत्री जेल में हैं और अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी बुलाया जाएगा, तो कहीं ना कहीं चुनौतियां बढ़ेंगी। जी ये बात सही है कि जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक मंत्रियों पर, साथ ही साथ अब दिल्ली के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी संयोजक केजरीवाल के ऊपर जिस तरीके से शिकंजा कसने की तैयारी केंद्र द्वारा बीजेपी द्वारा की जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये साफ दिखता नजर आ रहा है कि अब आम आदमी पार्टी की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ सकती हैं। बिल्कुल भावना, आप देखना होगा कि क्या कुछ निकलकर सामने आता है। फिलहाल शराब घोटाले में सीबीआई ने पूछताछ के लिए अरविंद केजरीवाल को बुलाया है, वहीं देखना होगा कि क्या कुछ अब निकल कर आता है। 16 अप्रैल को 11 बजे सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया है। वहीं बात करें भावना इस पूरे मामले पर राजनीति की, तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल लगातार यहाँ केंद्र सरकार पर हमलावर भी थे और अब जब ये पूरा मामला निकल कर सामने आया है तो क्या कुछ देखने को मिल सकता है। जी फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से केंद्र जो है लगातार आप सरकार के ऊपर हमलावर हो रही है, तो मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं। अब देखने वाली बात यही होगी कि 16 तारीख को किस तरीके की पूछताछ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से की जाती है कथित शराब घोटाले के मामले पर, और किस तरीके की सख्ती अब सीबीआई द्वारा आप सरकार के ऊपर कसनी शुरू होगी। बिल्कुल भावना, देखना होगा कि अब 16 तारीख को पूछताछ में क्या कुछ निकल कर आता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया, आप हमसे जुड़ी तमाम जानकारी आपने साझा करी। वहीं पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी की सरकार उनकी हत्या भी करवा सकती है। पिछले 70 साल के दौरान जो लोग पंजाब के मुख्यमंत्री रहे उनके खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। शुक्रवार को चंडीगढ़ स्थित पंजाब कला भवन में पत्रकारों से बातचीत में चरणजीत चन्नी ने कहा कि पंजाब की मान सरकार लगातार षड्यंत्र रच रही है। उन्होंने दावा किया कि विजिलेंस ने जांच में शामिल होने के लिए पहले 12 अप्रैल को बुलाया था। मैंने उन्हें कहा कि मैं बिजी होने की वजह से नहीं आ सकता, अचानक उन्हें तलब कर लिया गया है। चन्नी ने कहा कि मान सरकार जब से सत्ता में आई है राजनीतिक द्वेष के चलते कांग्रेस नेताओं को फंसाया जा रहा है। चन्नी ने कहा कि सीएम भगवंत मान ने अकाल तख्त के जत्थेदार का अपमान करने का प्रयास किया, वह जब इसके खिलाफ बोले तो पंजाब सरकार बौखला गई। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार उनके 10 से 12 सवालों के जवाब दे दे, सीएम मान जवाब दें कि वह किस आधार पर जत्थेदार के खिलाफ बोले। आज मैनू विजिलेंस वालों बुलाया गया है। पहला मैं नोटिस आया, मैं उन्होंने कहा कि जी 12 तरीक का नोटिस आया सी, मैं क्या मैं 12 नू नहीं आ सकता, बाहर है। उन्होंने मैं 20 तरीक नू बुला लिया, लेकिन कल मैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो कह गुरु साहब का एक वाक है कि जे को बोले सच कूड़ा जल जा बई, कूड़ा होंगे झूठा, यदा मतलब झूठा है कि जो कोई सच बोलता है तो सच्चे बंदे की गल सुन के झूठे नू अग लग, वो अग कल सरकार नू लगी है। तो मैं 20 तरीक नू बुलाना सी, अज दे दिन बुला लिया, जब दफ्तर सारे नू छुट्टी है। तुसी देखो कि चन्नी वास्ते अज स्पैशल पंजाब सरकार दे दफ्तर खुल रहे है, चन्नी नू हैरान करने वास्ते, टॉर्चर करने वास्ते। और दिन चुड़िया विसाखी का, अंबेडकर साहब का विसाखी वो दिन है जदों गुरु साहब ने जाबर और जुल्म के खिलाफ उस समय दिया जालम सरकारां के खिलाफ अपना खंडे वाटे का अमृत छका के सिख कौम नू शक्ति दिती, तैयार कीता जबर और जुलम और सरकारां दे खिलाफ लड़न वास्ते। समर्थक और भगोड़े अमृतपाल सिंह के सरेंडर की अटकलें हैं। जहां एक ओर पंजाब में बैसाखी का त्यौहार मनाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर भगोड़े अमृतपाल सिंह के सरेंडर की अटकलों के बीच सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। रिपोर्ट देखिए। पंजाब में अलर्ट पर हैं खुफिया एजेंसियां। कोड़ा अमृतपाल कर सकता है सरेंडर। गुरदासपुर में लगे अमृतपाल सिंह वांटेड के पोस्टर, अटारी सरहद और रेलवे स्टेशन पर भी चिपकाए गए पोस्टर। पंजाब में आज बैसाखी का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। हालांकि कई जगह नाकाबंदी कर गाड़ियों की छानबीन की जा रही है।
और चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती कर दी गई है। दरअसल खालिस्तानी समर्थक और भगोड़े अमृतपाल सिंह पिछले 27 दिनों से पुलिस को चकमा दे रहा है और पुलिस की गिरफ्त से फरार है। हालांकि अब उसके सरेंडर की अटकलें लगाई जा रही हैं। 18 मार्च को अमृतपाल जालंधर जिले में पुलिस की पकड़ से भाग गया था। उसे पकड़ना पुलिस के लिए इसलिए भी मुश्किल हो रहा है क्योंकि उसने अपनी गाड़ी और लुक दोनों बदल लिए हैं। कभी उसका दिल्ली में होने के सबूत मिलते हैं, कभी राजस्थान, तो कभी उसकी लोकेशन उत्तराखंड में मिलती है, तो कभी नेपाल में उसके छिपे होने की खबर बाहर आई। देखिए, मैंने इस बारे में हमारे को कोई ऐसी सटीक जानकारी नहीं है कि अमृतपाल यहाँ पे आएगा, लेकिन इस बारे में मान्योग डी साहब भी पहले कह चुके हैं और हम लोग इस बात को रिटरेट करना चाहते हैं कि अगर कोई भी आदमी जो कानून के द्वारा वांटेड है वो सरेंडर करना चाहता है तो उसको सरेंडर करना चाहिए और कानून का जो भी जाब्ता है उसके अनुसार उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। अमृतपाल सिंह का जन्म अमृतसर के जल्लूपुर खेड़ा गाँव में हुआ। 2012 में 19 साल की उम्र में काम करने के लिए दुबई गया। चाचा का दुबई में ट्रांसपोर्ट के व्यवसाय में करता था मदद। 10 साल यानी 2022 तक दुबई में रहा अमृतपाल। किसान आंदोलन के दौरान दिल्ली बॉर्डर आया था। 2022 में दस्तारबंदी कर मोगा के गांव रोडे में दस्तारबंदी का बड़ा कार्यक्रम किया। दीप सिद्धू की संस्था वारिस पंजाब दे का बना प्रमुख। युवाओं को अमृत छकाने और खालिस्तान के नाम पर ग्रामीण युवाओं को जोड़ने लगा। अमृतपाल के समर्थकों ने मॉडल टाउन स्थित गुरुद्वारा सभा की कुर्सियों और सोफे जलाए। अमृतपाल सिंह का 15 फरवरी 2023 को फेसबुक पोस्ट को लेकर वरिंदर सिंह से झगड़ा हो गया था, जिसको लेकर 16 फरवरी 2023 को अजनाला में FIR दर्ज की गई। अमृतपाल और उसके साथियों पर वरिंदर सिंह को अगवा कर टॉर्चर करने का आरोप लगा, जिसके बाद 17 फरवरी को अमृतपाल के साथी लवप्रीत उर्फ तूफान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद अमृतपाल 19 फरवरी को मोगा में दीप सिद्धू के बरसे कार्यक्रम में पहुंचा और मंच से खालिस्तानी की हिमायत की, देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के लिए अपशब्द कहे और 23 फरवरी को मारपीट केस में अजनाला थाना घेरने की कॉल। 23 फरवरी की दोपहर को अमृतपाल अजनाला थाने के बाहर भीड़ के साथ पहुंचा। पुलिस बैरिकेड के पास जाकर अमृतपाल के साथ आई भीड़ उग्र हो गई और पुलिस से टकराव के बाद भीड़ ने थाने पर कब्जा कर लिया। SP रैंक के अधिकारी समेत 6 पुलिस वालों को गंभीर चोटें आईं। दरअसल अमृतपाल के पास श्री गुरुग्रंथ साहिब की पालकी साथ होने के कारण पुलिस ने सख्ती नहीं। अमृतपाल और उसके समर्थक 5 घंटे तक थाने में जमे रहे। पुलिस ने अमृतपाल के साथी लवप्रीत तूफान को 24 घंटे में छोड़ने का वादा किया, तब जाकर देर शाम अमृतपाल और भीड़ ने थाना खाली किया। 24 फरवरी को पुलिस ने लवप्रीत तूफान को अमृतसर जेल से रिहा किया। लवप्रीत के साथ अमृतपाल ने स्वर्ण मंदिर तक पंक्ति जुलूस निकाला। इस हादसे के बाद मान सरकार को भनक लग चुकी थी कि अमृतपाल को अभी नहीं रोका गया तो भीड़े वाला पार्ट टू बनने से। इसलिए पहली बार राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने मिलकर अमृत सिंह के खिलाफ कार्रवाई की और पंजाब पुलिस को उसे गिरफ्तार करने के निर्देश दिए। अमृतपाल अब पंजाब पुलिस के गले की खराश बन चुका है। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह 18 मार्च के बाद से फरार है। अब पुलिस को उसके ठिकानों का पता तो चल रहा है, लेकिन अमृतपाल उनके हाथ नहीं आ रहा। देखना यह होगा कि कब तक पुलिस के हाथों सफलता लगती है और कब अमृतपाल सलाखों के पीछे पहुंचेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। पंजाब के तलवंडी साबो स्थित श्री दमदमा साहिब में बैसाखी का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। पुलिस के सख्त पहरे व निगरानी के बावजूद लाखों की संख्या में संगत श्री दमदमा साहिब पहुंच रही है। श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने संगत का श्री दमदमा साहिब पहुंचने पर धन्यवाद किया। संगत को संबोधित करते हुए जत्थेदार ने सभी सिखों को अपने घरों में तलवारें रखने का संदेश दिया है। उन्होंने श्री गुरु गोविंद सिंह जी की श्री साहिब को दिखाते हुए ऐसा कहा। जत्थेदार ने कहा कि गुरुओं ने इनके बल पर ही मुगलों को रोका था, आज की सरकारें हमें ऐसा करने से रोक रही हैं, लेकिन हर सिख को अपने घर में तलवार रखनी चाहिए। बैसाखी का त्यौहार बहुत धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। बैसाखी का पर्व बैसाख माह में फसल की कटाई के बाद मनाते हैं। सिख धर्म में बैसाखी को नव वर्ष के तौर पर मनाते हैं। रिपोर्ट देखिए। बैसाखी का त्यौहार आज पंजाब हरियाणा में बैसाखी की धूम, हर्षोल्लास से मनाया गया बैसाखी का त्यौहार। सिख धर्म में नव वर्ष के तौर पर मनाते हैं बैसाखी।
वैसे तो पूरे देश में बैसाखी की धूम होती है, लेकिन हरियाणा पंजाब में बैसाखी के मौके पर अलग ही उत्साह देखने को मिलता है। लोग अपने दोस्तों, रिश्तेदारों या करीबियों के साथ मिलकर ये त्योहार। मंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को असम के प्रसिद्ध बिहू फेस्टिवल के मौके पर गुवाहाटी पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने गुवाहाटी में एम्स और 3 सरकारी मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री असम में कुल 14,300 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। 26 मई 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद गुवाहाटी एम्स की आधारशिला रखी थी। 5 साल बाद ये 1,120 करोड़ रुपए की लागत से 6 साल के अंदर बनकर तैयार हो गया है। ये नॉर्थ ईस्ट का पहला एम्स है। इसके अलावा पीएम ने नलबाड़ी, नागांव और कोकरझार में 3 मेडिकल कॉलेजों का वर्चुअली उद्घाटन किया। वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आजकल नई बीमारी देखने को मिल रही है। मैं देश में कहीं भी जाता हूं और 9 सालों में हुए विकास की चर्चा करता हूं तो उससे कुछ लोगों को परेशानी हो जाती है। वो शिकायत करते हैं कि दशकों तक उन्होंने भी देश पर राज किया, उन्हें श्रेय क्यों नहीं मिलता। श्रेय के भूखे लोगों और जनता की राज करने की भावना ने देश को बहुत आहत किया है। एक नई बीमारी देखने को मिल रही है। मैं देश में कहीं भी जाता हूं, उत्तर में, दक्षिण में, नॉर्थ ईस्ट में, पिछले 9 वर्षों में हुए विकास की चर्चा करता हूं तो कुछ लोगों को बहुत परेशानी हो जाती है। ये नई बीमारी है। वो शिकायत करते हैं कि दशकों तक उन्होंने भी देश पर राज किया है, उन्हें क्रेडिट क्यों नहीं मिलता। क्रेडिट के भूखे लोगों और जनता पर राज करने की भावना ने देश का बहुत अहित किया है। अरे जनता तो जनार्दन का रूप होती है, ईश्वर का रूप होती है। पहले वाले क्रेडिट के भूखे थे, इसलिए नॉर्थ ईस्ट उन्हें दूर लगता था। 10 सालों में करीब 150 मेडिकल कॉलेज बने थे। पिछले 9 वर्षों में हमारी सरकार में करीब 300 नए मेडिकल कॉलेज बने। पिछले 9 वर्षों में देश में एमबीबीएस सीटें भी 2 गुनी बढ़कर 1 लाख से अधिक हो चुकी है। पिछले 9 वर्षों में देश में मेडिकल की पीजी सीटों में भी 110% की बढ़ोतरी हुई है। हमने मेडिकल शिक्षा के विस्तार के लिए नेशनल मेडिकल कमीशन की स्थापना की है। पिछड़े परिवारों को, बैकवर्ड फैमिलीज के बच्चे डॉक्टर बन सके, इसके लिए हमने आरक्षण की सुविधा का भी विस्तार किया है। दूर दराज वाले क्षेत्रों के बच्चे भी डॉक्टर बन सके, इसलिए हमने पहली बार भारतीय भाषाओं में मेडिकल की पढ़ाई का विकल्प दिया है। इस वर्ष के बजट में 150 से अधिक नर्सिंग कॉलेज खोलने का, हेल्थ सेक्टर में इतना काम इसलिए हो रहा है क्योंकि आप सभी देशवासियों ने 2014 में एक स्थिर और मजबूत सरकार बनाई। भाजपा की सरकारों में नीति, नियत और निष्ठा किसी स्वार्थ से नहीं बल्कि राष्ट्र प्रथम, देशवासी प्रथम, इसी भावना से हमारी नीतियां तय होती है। इसलिए हमने वोट बैंक के बजाय देश की जनता की मुश्किलों को कम करने पर फोकस किया। हमने लक्ष्य बनाया कि हमारी बहनों को इलाज के लिए दूर ना जाना पड़े। हमने तय किया कि किसी गरीब को पैसे के अभाव में अपना इलाज न टालना पड़े। हमने प्रयास किया कि हमारे गरीब परिवारों को भी घर के पास ही बेहतर इलाज मिले। साथियों, मैं जानता हूं कि इलाज के लिए पैसे ना होना गरीब की कितनी बड़ी चिंता होती है। इसलिए हमारी सरकार ने
5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज देने वाली आयुष्मान योजना शुरू की। और इसी के साथ बुलेटिन फिलहाल इतना ही, बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को असम के प्रसिद्ध बिहू फेस्टिवल के मौके पर गुवाहाटी पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने गुवाहाटी में एम्स और 3 सरकारी मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री असम में कुल 14,300 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। 26 मई 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद गुवाहाटी एम्स की आधारशिला रखी थी। 5 साल बाद ये 1,120 करोड़ रुपए की लागत से 6 साल के अंदर बनकर तैयार हो गया है। ये नॉर्थ ईस्ट का पहला एम्स है। इसके अलावा पीएम ने नलबाड़ी, नागांव और कोकरझार में 3 मेडिकल कॉलेजों का वर्चुअली उद्घाटन किया। वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आजकल नई बीमारी देखने को मिल रही है। मैं देश में कहीं भी जाता हूं और 9 सालों में हुए विकास की चर्चा करता हूं तो उससे कुछ लोगों को परेशानी हो जाती है। वो शिकायत करते हैं कि दशकों तक उन्होंने भी देश पर राज किया, उन्हें श्रेय क्यों नहीं मिलता। श्रेय के भूखे लोगों और जनता की राज करने की भावना ने देश को बहुत आहत किया है। एक नई बीमारी देखने को मिल रही है। मैं देश में कहीं भी जाता हूं, उत्तर में, दक्षिण में, नॉर्थ ईस्ट में, पिछले 9 वर्षों में हुए विकास की चर्चा करता हूं तो कुछ लोगों को बहुत परेशानी हो जाती है। ये नई बीमारी है। वो शिकायत करते हैं कि दशकों तक उन्होंने भी देश पर राज किया है, उन्हें क्रेडिट क्यों नहीं मिलता। क्रेडिट के भूखे लोगों और जनता पर राज करने की भावना ने देश का बहुत अहित किया है। अरे जनता तो जनार्दन का रूप होती है, ईश्वर का रूप होती है। पहले वाले क्रेडिट के भूखे थे, इसलिए नॉर्थ ईस्ट उन्हें दूर लगता था। 10 सालों में करीब 150 मेडिकल कॉलेज बने थे। पिछले 9 वर्षों में हमारी सरकार में करीब 300 नए मेडिकल कॉलेज बने। पिछले 9 वर्षों में देश में एमबीबीएस सीटें भी 2 गुनी बढ़कर 1 लाख से अधिक हो चुकी है। पिछले 9 वर्षों में देश में मेडिकल की पीजी सीटों में भी 110% की बढ़ोतरी हुई है। हमने मेडिकल शिक्षा के विस्तार के लिए नेशनल मेडिकल कमीशन की स्थापना की है। पिछड़े परिवारों को, बैकवर्ड फैमिलीज के बच्चे डॉक्टर बन सके, इसके लिए हमने आरक्षण की सुविधा का भी विस्तार किया है। दूर दराज वाले क्षेत्रों के बच्चे भी डॉक्टर बन सके, इसलिए हमने पहली बार भारतीय भाषाओं में मेडिकल की पढ़ाई का विकल्प दिया है। इस वर्ष के बजट में 150 से अधिक नर्सिंग कॉलेज खोलने का, हेल्थ सेक्टर में इतना काम इसलिए हो रहा है क्योंकि आप सभी देशवासियों ने 2014 में एक स्थिर और मजबूत सरकार बनाई। भाजपा की सरकारों में नीति, नियत और निष्ठा किसी स्वार्थ से नहीं बल्कि राष्ट्र प्रथम, देशवासी प्रथम इसी भावना से हमारी नीतियां तय होती है। इसलिए हमने वोट बैंक के बजाय देश की जनता की मुश्किलों को कम करने पर फोकस किया। हमने लक्ष्य बनाया कि हमारी बहनों को इलाज के लिए दूर न जाना पड़े। हमने तय किया कि किसी गरीब को पैसे के अभाव में अपना इलाज न टालना पड़े। हमने प्रयास किया कि हमारे गरीब परिवारों को भी घर के पास ही बेहतर इलाज मिले। साथियों, मैं जानता हूं कि इलाज के लिए पैसे ना होना गरीब की कितनी बड़ी चिंता होती है। इसलिए हमारी सरकार ने
5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज देने वाली आयुष्मान योजना शुरू की। और इसी के साथ बुलेटिन फिलहाल इतना ही, बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी।